दुधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुराने व जर्जर भवन दे रहा मौत का दावत। गंदगी की भरमार होने से गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका। सभी आला अधिकारियों के नजरों के सामने होने के बावजूद भी नहीं ले रहे सुध। करोड़ों की लागत से बना पुराना जर्जर भवन मिट्टी में तब्दील होने के कगार पर। जिला संवाददाता हरेंद्र शर्मा, कुशीनगर। जनपद कुशीनगर विकासखंड दुधी के अंतर्गत बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों की लागत से बना पुराना जर्जर भवन आज मिट्टी में तब्दील होने के कगार पर है। आला अधिकारियों के नजर के सामने होने के बावजूद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं। अगर अधिकारी चाहते तो पुराने ईंट को निकलवाकर कुछ और काम में प्रयोग हो जाता, लेकिन ऐसा ना करके सरकार के पैसों का बंदरबांट करने पर तुले हैं अधिकारी। और दूसरी बात, स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के अंतर जाते ही जर्जर भवन के अंदर और बाहर चारों तरफ गंदगी की भरमार पड़ी है, जिससे आने जाने वाले मरीज को ही गंदगी की भरमार होने से गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने की डर सता रही है। मुख्य बात, मेन गेट के पास बना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत सार्वजनिक सुलभ शौचालय गंदगी बाहर जाने के कारण विगत कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को शौच के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि साल में एक या दो बार स्वास्थ्य मेला लगता है और लगने वाले मेले में आला सभी अधिकारियों का आगमन होता है और गंदगी भरी राहों से होकर गुजरना पड़ता है, फिर भी कोई अधिकारी गंदगी भरी भवन पर ध्यान नहीं देता है। गेट के अंदर पास में ही सर दो तीन एम्बुलेंस जर्जर हालत में पड़ी है, फिर भी